3 जुलाई को होगा गहलोत पायलट पर फैसला। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे फैसला। डोटासरा, रंधावा समेत राजस्थान के कई नेता दिल्ली में मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। चंद ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद। बता दें कि मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार, वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी मंत्री टीएस सिंह माने जाते हैं। इन दोनों बड़े नेताओं आपसी अनबन मनमुटाव कांग्रेस के लिए चुनौती ना बन जाए, इस वजह से टीएस सिंह को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। इसका फैसला दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद यह डिसीजन लिया। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच काफ़ी अनबन है। दोनों की अनबन की झलक भी देखने को मिलती रहती है। वहीं कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों के बीच यानी कि गहलोत पायलट में सब कुछ ठीक है। छत्तीसगढ़ का फैसला हो चुका है, अब राजस्थान की बारी है। न्यूज एजेंसी NIA के अनुसार 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बैठक है। अब माना जा रहा है कि 3 जुलाई की बैठक में दोनों नेताओं के मतभेदों को सुलझाने का मुद्दा भी उठ सकता है। क्या सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी मिलेगी या नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ऐसे कयास भी लगना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरह मुद्दों को सुलझा कर आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में चुनावी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में है। दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। बुधवार को भी उनकी मुलाकात हुई थी। राजस्थान के कई जिलों में संगठन की नियुक्तियों को लेकर और उनके मुद्दों को लेकर बैठक की जा रही है। अब 27 जून को हो चुकी है बैठक, अब 3 जुलाई को क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते द अफेक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द अफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द अफेक्ट इंडिया ऐप।